फेसबुक पर हजार पेड़ का रिकॉर्ड बनाने वाले उन महारथियों को आज प्रणाम करने का दिल करता है वजह यह है कि फेसबुक पे तमाम पेड़ लग जाते हैं लेकिन जब जमीन स्तर पे पहुंचते हैं तो शायद एक पेड़ दिखे भी या ना दिखे ये तमाम सी चीजें होती रहती हैं लेकिन इसे धता बताते हुए इस पर आवाज उठाते हुए जनता लाइब्रेरी ने एक अनोखा काम अब शुरू कर दिया है वो हर दिन पेड़ नहीं लगाते वो हर दिन ऐसे काम नहीं करते जिसकी वजह से पर्यावरण जीवित हो या कहा जाए कि पांच लोग मिल के एक पेड़ नहीं लगाते और ये दिखाते भी नहीं कि हमने पेड़ लगाया है बल्कि ये लोग चुपचाप रह के भी हर रविवार को एक पेड़ लगाने वाली मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं ये सिर्फ फेसबुकिया पर्यावरण के लिए नहीं है ये उन लोगों के लिए है जो वाकई में ये कहते हैं कि पर्यावरण को जीवित रहना चाहिए अगर पर्यावरण पेड़ से जीवित रहता तो वाकई में हर साल 25 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगते हैं भारत में भारत ही नहीं सिर्फ यूपी में लगते हैं आज हमारे साथ टीम जनता लाइब्रेरी के कुछ सहयोगी लोग हैं वजह इनकी थोड़ी सी अलग है इस वजह से आज इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और जितने भी पर्यावरण वाले हैं ना फेसबुक वाले फेसबुक पर्यावरण वाले वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और रात में कहीं सोचिएगा कि वाकई में आप पेड़ दिखाने के लिए लगाते हैं या वाकई में वो पेड़ रहते भी हैं ऐसे इधर पेड़ लगाएंगे और इधर यहाँ पे फल खाएंगे ऊपर भी दिखा दीजिए साहब ये पेड़ का परिणाम है इधर पेड़ लग रहा है उधर फल आ रहा है तो सबसे पहले टीम के लोगों से बात करते हैं लोगों की बात करते हैं जो वाकई में कुछ अलग करते रहे हैं एक जनता लाइब्रेरी की टीम है लाइब्रेरी से अलग कुछ अलग करती रही है और आज देखिए किस तरीके से यहाँ पे पर्यावरण का लाभ लिया जा रहा है सबसे पहले मैं बासबुक पे तमाम सोशल मीडिया पे पेड़ लगा देते हैं लेकिन वास्तविक जीवन में ये फोटो या काज पेड़ नहीं रहते। आज पहली बात तो पर्यावरण पर दिवस जैसा कुछ नहीं है नहीं है। और हमारी हमेशा से ऐसी कोशिश रही है मैं फेसबुक का कोई विरोधी नहीं हूँ हाँ। वो भी एक विचार मंच है वहाँ पे लोग अपने विचार रखते हैं हमको मेरा ये कहना है कम से कम और हमारी टीम का ये कहना है कि जिन बातों को हम विचार के रूप में कहते हैं हाँ। उस पर कुछ हम कोशिश भी कर सकते हैं एक कोशिश एक कदम हमारा भी हो सकता है हम हमेशा से कहते हैं ना कि गिलहरी वाला प्रयास जैसा होता है तो हमारा हमारे हक में जितना है हमारी कोशिशों से जितना हो सकता है हम वही करेंगे तो टीम जनता लाइब्रेरी ने ठाना है कि जन्म वृक्ष के नाम से ग्रीन उत्सव महाअभियान के अंतर्गत पूरा देखिए क्या है ना हम लोग रोज परेशान है गर्मी से अभी तो मान लीजिए कल बारिश हो गई थोड़ी राहत है लेकिन गर्मी से हम सब परेशान है बयालीस डिग्री पैंतालीस डिग्री टेम्परेचर रह रहा है और उसका सिर्फ एक ही उपाय है एक ही निदान है वो है हमारे पेड़ हमारे वृक्ष तो हमारी बस एक ही कोशिश है कि हर रविवार हमारे पास अपनी जमीन तो इतनी है नहीं हम इतने संपन्न नहीं है हम लोगों के पास जाएंगे आज उसी क्रम में आज ये पहला दिन है तो हम ग्राम सभा फरसाड़ में यहाँ के युवा प्रधान बड़े भाई धीरज राय जी के नेतृत्व में और देखिए भगवान का मंदिर है जस्ट बगल में दिखा दीजिए सर दिखा तो मंदिर के जस्ट सटे हुए इस आम के पौध का जो पौधा रोपण किया गया है तो ये हमारी हर रविवार कोशिश होगी कि, कि कि किसी के किसी के के दरवाजे पे पे मंदिर प्रांगण सिर्फ ये कोरम ना पूरा हो हाँ हाँ। कि हमने पेड़ लगाया, हाँ हाँ। पेड़ लगाया लगा दिए रिकॉर्ड बन गया हाँ हाँ। और हमको कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना हाँ। हमारी है हमारी कोशिश है की हमसे जब तक संभव होगा हम हर रविवार एक पेड़ लगाएंगे और इस पूरे अभियान में मेरी प्रेरणा अगर कोई है तो गोला क्षेत्र के रहने वाले आदरणीय डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी हैं जिनका एक अभियान है आंसू पोछो वृक्ष लगाओ तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हमने ये ठाना है कि हर रविवार एक पौधा लगाएंगे और ये देखिए हम लोगों ने आज तक जो काम किया ना उसमें समाज स्वतः प्रेरणा से हमसे जुड़ जाता है हम एक थोड़ी सी कोशिश करते हैं देखिए हमारे आने के पहले ही बड़े भाई जी को पता था सारी व्यवस्थाएं कि गड्ढा खना हुआ सारी चीज़ें हैं पेड़ लग गया हम बस आएंगे पौधा लेते आएंगे कोशिश करेंगे कि लग जाए और आपसे जिसके वहां भी हम लगाएंगे आपका वीडियो भी जो लोग देख रहे हैं जो चाहते हैं कि उनके दरवाजे पे, पे पेड़ लग जाए अगर वो नहीं लगा पा रहे आप हमसे कहिए हम लगा देंगे आप बस उस पेड़ को अपने बच्चे की तरह थोड़ा सा पाल दीजिएगा उसका बचपन सवार दीजिएगा वो अपनी जवानी और अपने बुढ़ापे में भी आपके बुढ़ापे तक बहुत बढ़ेगा तो मतलब दिखावा नहीं होना चाहिए कहीं भी चीजें आप लोग हजारों पेड़ लगा देते हैं सौ पेड़ लगा देते हैं बीस पेड़ लगा देते हैं लेकिन जीवित नहीं पे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेज करने से कोई पेड़ नहीं लगने वाला भाई साहब मैंने आज तक एक आध पौधे लगाए थे व्हाट्सएप हा। फेसबुक पे कोई पौधा नहीं लगाया था अब लगा रहा हूँ वहां पे भी लगाना शुरू करूंगा हाँ हा। आपसे भी कोशिश करूंगा हाँ। क्या आप अगर नहीं इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं आप एक नया अभियान शुरू बहुत बढ़िया बहुत लेकिन आप भी पेड़, लगा आप भी पेड़ लगाए पेड़ लगाइए अगर पेड़ नहीं हो तो हमसे बताइए हमसे बताइए हम, कोशिश करेंगे यार हम आज हमको पेड़ लगाना था एक बड़े भाई हैं पंकज गुप्ता जी आप भी जानते हैं उनको चंद्रांश फाउंडेशन उन्होंने अपने से कहा कि पहला पेड़ मेरी तरफ से लगेगा अरे वाह हम नहीं किसी से कहने गए लोग जुड़ेंगे काम सही है लोग जुड़ेंगे काम सही है आपसे बस यही गुजारिश है जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे देखिए अभी तो हम लोग भी पेड़ लगा रहे थे तुरंत फल मिल गया तो आम एकदम हाथ में है भाई साहब ठीक <laughs> और इनको पूछना भी नहीं पड़ेगा का कि काट के खाते है चूस के खाते है तो बस दिव्यांगी आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से और जो लोग भी इस अभियान जो लोग इसको सुन रहे हो इस वीडियो को आपसे गुजारिश है एक पौधा कोशिश करिए नहीं हफ्ते में लगा सकते महीने में लगाइए लेकिन लगाइए जरूर ये है ना हाँ ये इस अभियान का टैगलाइन है यही जनवृक्ष ग्रीन उत्सव महाअभियान के अंतर्गत जनवृक्ष हर थमती सासों को जीवन प्रत्येक रविवार एक वृक्षारोपण एवरी संडे इज ए ट्री डे तो आप भी इसके इस, इस मुहिम के साथ जुड़िए हमारी गुजारिश है मार्गदर्शन दीजिए कि किस तरीके के पौधों को हम लगाएं हमने कभी बहुत ज़्यादा इन बारों में कभी हमारा भी कोई अनुभव नहीं है तो आपकी जानकारी से आपके सुझावों से हम इस क्रम में आगे बढ़ेंगे बहुत बहुत धन्यवाद मैं बात कर लेता हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखा आपने कुछ अलग हमेशा से जनता लाइब्रेरी करती रही है आज वैसे भी आपके दिव्यांश का जन्मदिन है तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और उसी बीच जब ऐसे वक्त आ जाते हैं लोगों की भावनाएं समझ में आ जाती हैं कि वाकई में पेड़ सिर्फ फेसबुक पे यूट्यूब पे या व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे नहीं लगेगा पेड़ लगेगा तो आपके घर के आंगन में भी लगेगा आज हमारे साथ स्थानीय प्रधान जी हैं ग्राम सभा फरसाड़ है बड़हलगंज थाना क्षेत्र है ये और यहाँ पे देखिए उधर पेड़ लगाया गया है सबसे पहले बहुत बहुत गोरखपुर दस्तक पे स्वागत क्या अलग सोच के आपने जनता लाइब्रेरी के तहत पहला पेड़ आज यहाँ पे लगाया है सर जैसे सुबह फोन आया है सर्वेश दुबे जी का जी। इन्होंने कहा है कि हम लोग दूरी एक मुहिम चलाना चाहते हैं जगह जगह पे मतलब पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं और वो शुरुआत आपके ग्राम सभा से वो भी भोलेनाथ के दरबार से करना चाहते हैं तो मैंने कहा कि ये तो अच्छी बात है और ये होना चाहिए ये हमारी भी इच्छा है कि अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगना चाहिए क्योंकि हम लोगों के जीवन में पेड़ बहुत ही मतलब जीवन को बचाना है तो पेड़ लगाना, लगाना है।, है सही बात अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जीवन मनुष्य का जीवन रहेगा नहीं।, नहीं, नहीं हम लोग पुराने अपने पूर्वजों की देन है कि जो भी पेड़ पौधे लगाए हैं हम लोग उसके फल खा रहे हैं हाँ, आज भी यहां यहां पे, पे जो खाया पे जा, जा रहा हाँ। है हाँ। वो हम लोगों के बाप दादा ने लगाया था इसका हम लोग खा रहे हैं तो हम लोग अपने अगली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं क्या दे के जाएंगे जीवन में कुछ दे के तो जाना है तो इसलिए जैसे इन लोगों ने कहा मैं सबसे पहले इस काम को करने के लिए इतना तैयारी के साथ आया कि मेरे हाथ से एक भी पौधा लग जाए और वो बच जाए और वो फरने लगे और जब वो अच्छा मैं जब आप जब आप वीडियो मतलब हम लोग पेड़ लगा रहे थे तो उस समय आपके मन में यह रहा कि आप पानी डाल रहे तो आपके मुंह से खुद मैंने सुना कि पेड़ ये बच जाए हाँ। क्योंकि कई बार होता है कि पेड़ लग जाते हैं लेकिन उसका देख रख रखाव रह, रह, नहीं होता नहीं नहीं जो मैं भी ये सोचता हूँ मैंने जितना भी पेड़ लगाया है मैं काफी बगीचे का शौकीन हूँ मेरे पास दो बगीचे हैं मैं अपने लगा के बगीचे में पौधा बड़ा कर रहा हूँ मैं जो भी पेड़ लगाता हूँ उसको बचाना चाहता हूँ आज से करीबन चार साल पहले मैंने फेसबुक एक पेड़ लगाने वाला पोस्ट किया था अच्छा। आप चलिए मैं दरवाजे पे वही जगह पे बहुत सर, और बहुत वो पेड़ आज अपने की स्थिति में पहुंच चुका बहुत है, है। सर, तो बहुत मैं है। तो मैं पेड़ लगाऊंगा इसको भी बचाऊंगा और ये जनता लाइब्रेरी टीम की तरफ से ये पहला पौधा है।, है और इसको मैं बचा के दिखाऊंगा बहुत बढ़िया और जब भी इस पेड़ को आप लोग ढूंढते हुए आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा और साल बाद फल भी खाए हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है और इसको मैं करूँगा बहुत बहुत धन्यवाद सर जिस तरीके से आप इस जनता लाइब्रेरी वाली मुहिम पर शामिल हो रहे हैं और वाकई में अच्छा लगता है जब एक ग्राम प्रधान युवा ग्राम प्रधान इस बारे में सोचता है वरना तमाम पेड़ लगते हैं तमाम पेड़ उखड़ जाते हैं बचता कुछ नहीं है सबको ये देखना चाहिए कि कुछ न कुछ जीवन में नहीं जादे आदमी दस पौधा ही लगा दे अगर एक आदमी दस पौधा लगा दे और ये कोई बड़ी बात नहीं है दस पौधा लगा के उसको बचाया जा सकता है इस भागम भाग जीवन में भी दस पौधे लगा के बचाया जा सकता है और सारे लोग अगर ये करेंगे तो हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ दे के जाएंगे ये नहीं होगा कि ये वीरान जीवन नहीं रहेगा पेड़ पालो ही लगेंगे तभी जान लीजिए कि जीवन अच्छे से बीतेगा हम लोगों का जीवन अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक वक्त था दोस्तों जब हम सभी पूरे मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पानी की उपलब्धता होती थी फिर किसी ने आया उसे पान उसी पानी को उठा के बोतल में भर दिया और आज वही कितने महंगे में बेच बेचा जा रहा है तो सोचिए एक पानी वो था जब इतना उपलब्धता थी और आज एक पानी के लिए लोग तरस रहे हैं तमाम सी चीज़ें महाराष्ट्र के इलाकों में यहाँ तक कि इस क्षेत्र में भी पानी की समस्या अब धीरे धीरे सामने आ रही है अब सांसों की बात हो जाती है क्योंकि हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि सांसों को थमने ना दीजिए पेड़ लगाइए तो सासे ऐसे ही आपकी साग अगर आप चाहते हैं इस्तेमाल ना करना पड़े तो बॉटल लेके घूमना ना पड़े हमेशा ऑक्सीजन मास्क ना पहनना कई, पड़े कई देशों में ये हो रहा है कि लोग ऑक्सीजन 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 स्वच्छ के लिए पीठ पे लेके का घूम रहे हैं <laughs> और जगह जगह ये खुल रहा है कि ऑक्सीजन लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए आइए आप पाँच दीजिए और ऑक्सीजन शुद्ध हवा लीजिए ये ये अपने देश में न हो खासकर इस मुहिम से ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग जुड़े मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग जुड़े हर परिवार में से कोई एक भी जुड़ जाएगा और वो दस पौधों को लगाएगा तो ये जीवन आगे बढ़ेगा हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है चाहे वो कोई भी हो छोटा बड़ा इसमें नहीं देखना है हर मनुष्य अगर अपने जीवन में दस पौधे लगा दे तो ये जीवन मतलब सफल हो जाएगा आप दस पौधे भले ना लगाएं लेकिन हर रविवार किसी भी गांव में एक पौधे जनता लाइब्रेरी की तरफ से जरूर लगाएं हो सकता है अगर आपके पास पौधे की उपलब्धता ना हो तो हमसे संपर्क कीजिए नीचे नंबर भी आपको दे रहा दिख रहा होगा उस पर कॉल कीजिएगा और आपका पेड़ आपके घर पे लगेगा कैमरे के पीछे रुपेश हैं और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं हमारी दस्तक ऐसे चलती रहेगी बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके